तो सबसे पहले तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा मेन आईडी है और अभी मैं चलता हूँ सेटिंग पे। देन यहाँ पे ग्राफिक पे जाने का, तुम यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस है, एचडी और प्लस एचडीआर जो है तीनों यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, यानी कि जो मैक्स ग्राफिक है पबजी लाइट का वो यहाँ पे मेरे फोन में सपोर्ट कर रहा है और तुम्हारे डिवाइस के अंदर सेम ये सारे ग्राफिक्स जो है वर्क करने वाले है। तो बस उसके लिए तुम्हें छोटी सी वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक वॉच करना। ओके, तो वेलकम है तुम्हारा पबजी लाइट की एक और वीडियो में, जिसमें कि बात करेंगे कि तुम लोग अपने पबजी लाइट की आईडी या फिर अपने फ़ोन के अंदर एचडीआर प्लस एक्सट्रीम को कैसे इनेबल कर सकते हो, जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग पे दिखाई दिया। और अगर तुम्हें भी सेम वैसे ही अपने फ़ोन के अंदर एचडीआर प्लस एक्सट्रीम को इनेबल करना है तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो में जो भी स्टेप बताओ उनको फॉलो करना। तुम्हारा जो डिवाइस है वो मैटर नहीं करता कि इसमें वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा, कोई भी डिवाइस हो 100% वर्क करेगा। बस इस वीडियो को एंड तक देखो, देन तुम्हारा जो भी एचडी प्लस एक्सट्रीम है या फिर एचडीआर प्लस एक्सट्रीम है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। बस उसके लिए इस वीडियो को बस तुम बिना स्किप करे एंड तक वॉच करना। तो बात करें कि पबजी लाइट के अंदर तुम एचडीआर प्लस एक्सट्रीम या फिर एचडी प्लस एक्सट्रीम कैसे इनेबल कर सकते हो, तो सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट में जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक मीडिया फायर का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से एक फाइल होगा तो उसको सिंपल सा डाउनलोड कर लो और साथ में प्ले स्टोर पे जाके और वहाँ से जेड आर्चीवर को डाउनलोड कर लेना। देन उसके बाद तुम्हें जेड आर्चीवर को ओपन करना है और फिर यहाँ पे तुमने जो भी फाइल डाउनलोड करा है वो तुमने जहाँ पे भी रखा हो वहाँ पे तुम्हें सिंपल सा सर्च कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड के अंदर ही रख रखा है, तो सिंपल से मैं इस पे डाउनलोड पे जाता हूँ। देन यहाँ पे तुम्हें फाइल दिख रहा होगा एचडीआर ग्राफिक पबजी लाइट करके, तो सिंपल से इस पे क्लिक करना। देन यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो तुम्हें सिंपल से यहाँ पे जो टॉप पे ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट हियर, उस पर तुम्हें यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर नीचे में एक फाइल आ जाएगा यूजर कस्टम INI करके, तो सिंपल से तुम उस पर टैप कर रखना है। देन यहाँ पे तुम्हें बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपल से यहाँ से को कॉपी करना, कट मत करना, सिंपल सा इसको कॉपी करो। देन तुम्हें ऊपर जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पे क्लिक करके और तुम्हें डिवाइस मेमोरी पे क्लिक करना है। देन तुम्हें एंड्रॉइड पे जाके और यहाँ पे तुम्हें डाटा मिलेगा, तो डाटा पे क्लिक करके और पबजी लाइट का जो फोल्डर होता है उस पर तुम्हें सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे तुम्हें फाइल का फोल्डर मिलेगा, तो उस पर टैप करना। फिर यहाँ पे U4G गेम आएगा, तो उस पर टैप करके और यहाँ पे शैडो ट्रैक एक्स्ट्रा आएगा, तो उस पर टैप करना। फिर उसके बाद एक बार और शैडो ट्रैक एक्स्ट्रा आएगा, तो उस पर क्लिक करना। देन यहाँ पे सेव्ड आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करना और यहाँ पे तुम्हें सबसे ऊपर में कॉन्फिग मिल रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके और एंड्रॉइड पे क्लिक करना और जो तुमने फाइल को कॉपी करा था इसको सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पे तुम्हारा जो सारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे तुम्हारा जो HD प्लस एक्सट्रीम और साथ में HDR प्लस जो एक्सट्रीम है वो इनेबल हो चुका होगा, जैसा कि तुम यार गेम में देख सकते हो, तो 100% वर्किंग है। तो जाके एक बार ट्राई करो, बाकी जिसका भी नहीं होता है तो कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, वहाँ पे मैं तुम्हारा 100% सॉल्व कर दूंगा। बाकी तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बताना। बाकी तो चलो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।